Hello friends, welcome to my Rangoli channel Shilpa's Creativity. Subscribe कीजिए Shilpa's Creativity और हमारी रंगोली सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आप रंगोली डिजाइन बना सकते हो, वो भी रंगोली को छुए बिना। कैसे, चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक छन्नी और एक प्लेट का इस्तेमाल किया है और चाय की छन्नी के साथ हम इस तरह से रंगोली यहाँ पे डाल देंगे। अब इसके बाद एक टूथपिक लेकर, टूथपिक या फिर आप पैचस्टिक भी यूज़ कर सकते हो, माचिस की तीली या फिर टूथपिक लेकर हम इस तरह से रंगोली को अंदर की तरफ खींचेंगे। तो धीरे धीरे हमें रंगोली को अंदर की तरफ खींचना है, एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न यहाँ पर बन जाएगा। दोस्तों, रंगोली पाउडर को हाथ में लेने की हमें इसके लिए ज़रूरत नहीं है। रंगोली पाउडर छुए बिना रंगोली कैसे बनाएं, इस टॉपिक को लेकर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड किए थे जो मेरे सब्सक्राइबर्स को और मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आए। मुझे उम्मीद है आप वो वाले वीडियो भी ज़रूर देख लेंगे। तो इस तरह से हम ये सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। अब मैंने एक बोतल यहाँ पर इस्तेमाल की है और एक बोतल कैप के साथ रंगोली को हम इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर परफेक्ट बूंदे डालने के लिए हम बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पे बूंदे डाल देंगे और फिर से मैचस्टिक लेकर रंगोली को अंदर खींचेंगे। अब ये जो सर्कल हमने बनाया है, इसके चारों तरफ हम इस तरह से फिर से चार बूंदे डाल देंगे और इन हर दो बूंदों के बीच में फिर से और एक बूंद डाल देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं फिर से ये बोतल। आपको अगर ये बोतल बाज़ार से नहीं मिलती है तो घर पे पड़ी हुई कोई भी बोतल जिसको नोज़ल हो वो आप रंगोली पेन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से हमने यहाँ पर बोतल कैप लेकर रंगोली को हल्के से प्रेस करना है। बोतल कैप से रंगोली प्रेस करने के बाद परफेक्ट राउंड शेप यहाँ पे बन जाएगा। तो आप देख रहे हो हम कहीं पर भी रंगोली पाउडर को हाथ में नहीं ले रहे हैं। अब फिर से हम बड़ा वाला डॉट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम यहाँ पे फ्लावर्स बनाएंगे। ये फ्लावर्स बनाने के लिए भी हमने यहाँ पे रंगोली को टच करने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉटन बर्ड लेके हम रंगोली इस तरह से फैला लेंगे और फिर उसके बाद टूथपिक लेकर हम फ्लावर का डिज़ाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने टूथपिक लेकर इस तरह से फ्लावर का डिज़ाइन बना लेना है। तो बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन जाएगा और वो भी रंगोली पाउडर को हाथ में लिए बिना। इसी तरह से हम बाकी के सभी फ्लावर्स कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हो। मेरे फेसबुक पेज का नाम है रंगोली एंड आर्ट। मेरे सभी रंगोली डिज़ाइंस के लिंक्स आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप ज़रूर मेरे फेसबुक पेज को विज़िट करोगे। चलिए, अब हम फिर से इन फ्लावर के बीच में एक डॉट डाल देंगे और उसे कॉटन बर्ड के साथ थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन यहाँ पे बन गया, वो भी बहुत कम समय में और रंगोली पाउडर को छुए बिना हमने ये डिज़ाइन बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल शिल्पास क्रिएटिविटी। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।